हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 28 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है प्रकाश। आज हम समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, तो आइए देखते हैं क्या क्या लक्षण है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बना हुआ आपको दिखता है जितनी दूरी पर आप प्रतिबिंब यहाँ, जैसे यहाँ के समतल दर्पण, अगर यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपको प्रतिबिंब यहीं पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी आपको उतना ही दूर दिखेगा। जितने दूर आप प्रतिबिंब मिरर से होंगे या दर्पण से होंगे, उतना ही दूर आपको क्या बनेगा, अपना प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और बिंब के आकार का ही होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये आभासी प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब हमने देखा था कि जब पीछे की तरफ लाइट जाती है, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था ना, पीछे की तरफ लाइट जाती है तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। प्रकाश की किरणें एक्चुअल में मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है। आप ध्यान रखेंगे, आप अपने मिरर के सामने जाइए, अपना दायां हाथ ऊपर उठाएं। जब आप दायां भाग अपना दायां हाथ ऊपर उठाएंगे तो आपको बायां हाथ सामने से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि देखो इस व्यक्ति का यहां पे क्या है, इसने अपना दायां हाथ ऊपर किया है। यहाँ पे क्या किया, देखो सबने दायां हाथ ऊपर किया, लेकिन जब ये इस तरह से खड़ा है तो इसका बायां हाथ ऊपर है। तो प्रतिबिंब जब समतल दर्पण होता है उसमें क्या दिखाई देता है, हमें दायां भाग बायां भाग दिखाई देता है। इसे पार्श्व व्यतिकरण कहते हैं। क्या आप अब समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्दों को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है? आपने देखा होगा कि जब भी एक एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर उल्टे शब्द लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी के आगे जब समतल दर्पण होगा तब उसे ये उल्टा दिखाई देगा और इस तरह से दिखाई देगा, जिससे कि जो मिरर में जब ये इमेज आएगी, सीधी इमेज आएगी, तो आगे गाड़ी जो है वो इसको रास्ता दे देगी एम्बुलेंस को जाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझो क्या कहा गया है कि समतल दर्पण पे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पे वस्तु रखी गई है। जैसे कि एक बार फिर समझा देते हो, ये समतल दर्पण है, अगर कोई वस्तु यहाँ रखी गई है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है तो समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनेगा। आप ये जाकर चाहे कर सकते हैं, अपने घर में मिरर है उसके सामने खड़े हुए, पहले उसके नज़दीक खड़े हुए तो देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बना है वो भी मिरर के अंदर काफ़ी नज़दीक बना है, लेकिन फिर आप मिरर से थोड़ा दूर होते जाइए, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे आपका प्रतिबिंब भी पीछे की तरफ जाता जाएगा। उसके बाद प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का होता है, आभासी होता है और हमेशा इसमें क्या होता है, पार्श्व व्यतिकरण, मतलब कि उल्टा दायां बायां दिखाई देता है, बायां दायां दिखाई देता है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। परावर्तन के प्रकार, अब हम देखेंगे परावर्तन के प्रकार। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी, लेकिन नई प्लेट में चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला दिखाई दे रहा था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है, तो शिक्षक ने कहा चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं और दी गई तालिका को छवि का निरीक्षण करने में तालिका को पूरा करते हैं। ओके, देखो क्या कहा, जब जो पिंकी है वो मार्केट से उसकी मतलब एक नई प्लेट लेकर आई तो वो क्या थी, एकदम शाइनिंग चमकदार प्लेट थी जिसमें उसका चेहरा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था, जबकि पुरानी प्लेट में इतना चमकदार या इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगर एक नई प्लेट होगी तो चेहरा कैसा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा एकदम। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। अगर एकदम नई प्लेट होगी तो चेहरा कैसा दिखाई देगा, एकदम साफ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है लकड़ी की टेबल पर हमें नहीं दिखाई देगा, चेहरा क्या होगा, हमें नहीं दिखाई देगा। दर्पण में भी क्या दिखाई देगा, एकदम साफ चेहरा दिखाई देगा। पानी की अगर भरी हुई बाल्टी है तो उसमें चेहरा कैसा दिखाई देगा, देखो इसमें धुंधला भी हो सकता है, वो पानी पर डिपेंड करता है, और साफ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर साफ ही लिख देते हैं। ठीक है, दीवार पर हमें नहीं दिखाई देगा। और चिकनी टाइल्स होगी, अगर चिकनी टाइल्स होगी तो उस पर देखो टाइल्स का खुद का भी कलर होता है, तो चिकनी टाइल्स पर हम क्या कहेंगे, हमें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पानी में भी आप धुंधला कर दीजिए, दोनों ही हो सकता है कि धुंधला भी हो सकता है और साफ भी दिखाई दिया जा सकता है। तो ये थी वर्कशीट आज की। अब क्यों दिखाई दे जाता है तो ये हम नेक्स्ट वर्कशीट में समझेंगे कि क्या वो इतने चिकनी सरफेस होते हैं जिससे प्रकाश की किरण टकराकर वापस आ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देती है, एकदम जो हमारी पिक्चर है वो साफ दिखाई देती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, फटाफट हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या कहा गया कि समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के 4 लक्षण दीजिए, जो कि वर्कशीट में बहुत अच्छे से दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक
आपका हो जाएगा आंसर नंबर वन, जिसमें आपको चारों ही बताने हैं कि दर्पण पे उतनी ही दूरी से बनेगा, सीधा होगा, बिंब के आकार का होगा, आभासी होगा और कैसे दायां भाग हमेशा बायां भाग दिखाई देता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिसमें प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनता है। जब आप अपनी जो अल्फ़ाबेट्स को लिखकर अपने मिरर के सामने जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो हमें उल्टे दिखाई देते हैं, तो आपको वो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिखने हैं जो सीधे प्रतिबिंब में देखने पर भी हमें वैसे ही दिखाई देते हैं जब समतल दर्पण पर देखते हैं। जैसे कि देखो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए को आप देखेंगे तो आपको मिरर में भी वैसा ही दिखाई देगा। इसके अलावा एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, एक्स और वाई, ये जो प्रतिबिंब आप देखेंगे तो आपको कैसे दिखाई देंगे, सेम दिखाई देंगे आपको। जब आप उसमें देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तब भी आपको ये ऐसे दिखाई देंगे। अदरवाइज आप अगर बी देखोगे तो आपको वो ऐसे दिखाई देगा। तो हमें वो वाले नहीं लिखने, जो हमें सेम दिखाई देता है हमें वो लिखने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग नजर, दायां भाग कैसा नजर आता है, वस्तु का बायां भाग नजर आता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर चार, दीप्त वस्तुएं क्या होती है, दो उदाहरण दीजिए। ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दो उदाहरण, ट्यूबलाइट, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी दीप्त वस्तुएं। तो आइए करते हैं फोर्थ का आंसर। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो क्या कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे कि टॉर्च, ट्यूबलाइट और मोमबत्ती। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ का आंसर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।